जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं आपके लिए किस्मत चमक जाएगी। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाएँ और चैनल से जुड़ जाएँ। अगर वो रेड कलर का है तो उसे दबाएँ और हमसे जुड़ जाएँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए आपका। अब हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों किस्मत चमक जाने के बाद। हर व्यक्ति को अपनी किस्मत से बहुत नाराज़गी होती है कि हमारी किस्मत में ये नहीं है, वो नहीं है, या ये नहीं है या वो नहीं है। तमाम चीज़ जो किस्मत में होगा वो घूम फिर कर आ जाएगा, जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। हमारा काम है कर्म, निष फल प्राप्ति, कि हमें कोई फल की इच्छा नहीं है, फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना है। आपको डेफिनेटली जो भी फल मिलना होगा वो मिल जाएगा। हम ये करते हैं, पहले फल की चिंता करते हैं फिर कर्म करना शुरू करते हैं, और वो एक बहुत बड़ी, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे विषय है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कभी भी जीवन में इस तरह का ना सोचें। कोई भी हो, कैसा भी हो, हमें कर्म करना है। कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। बिल्कुल बेसिक और छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, पहली बात है आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। दूसरी बात है, जब हम कर्म करते हैं तो बीच में तुलना शुरू हो जाती कि वो इस वक्त वहाँ था या ये वहाँ है। तो कंपटीशन नहीं रखना है हमें, केवल हमें बहुत अच्छा करना है। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसे अच्छे से करना है। कंपटीशन वो गलत बात है मेरे हिसाब से, कि कंपटीशन में आदमी निखरता है। कंपटीशन में आदमी मानवता भूल जाता है, खुद के टैलेंट को भूल जाता है, और गलत रास्तों की ओर अग्रसर हो जाते हैं, और शाम दाम दड्ड भेद सबसे वो आगे होना चाहता है। तो स्वच्छ कंपटीशन होना भी एक ज़रूरी है, लेकिन वो दौर ख़त्म हो चुका है दोस्तों। आज लोगों की मानसिकता है अलग स्तर तक पहुंच चुकी है। मानवता अब लगभग ख़त्म सी होने लगी है, कुछ दिखाई देती है आप जैसे लोगों में, वो बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात है कि किस्मत हमें बहुत बड़ा अवसर देती है, उसे हम समझें, कैचअप करें और बिल्कुल सीधे चलें। जो चीज़ सीधी, किस्मत को समझने के लिए आपको सिर्फ एक बेसिक फंडा मैं आपको बता देता हूँ। चीज़ों को सामान्य से रूप से समझे, जैसे हवा बह रही है, प्रकृति अपना काम कर, बस उसी प्रकार से किस्मत अपना काम करती है। वो बिल्कुल सीधी चलती है, बेसिक्स चलता है उसका। इसके अलावा उसके लिए अतिरिक्त ज़्यादा दिमाग में सोचने की आवश्यकता नहीं। तो तीसरी बात है, ज़्यादा ना सोचे किसी भी विषय को लेकर, सामान्य सी उसकी प्राथमिक जानकारी ले, क्या सही है क्या गलत, और डन करके आगे बढ़े। ये बिल्कुल सही और बेसिक बात बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसी में चौथी बात ऐड करना है, सकारात्मकता बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी किस्मत आपका साथ देगी। पांचवी बात है, हमेशा ईश्वर का नाम ले, स्मरण करें, क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र वो सत्ता है जो इस दुनिया को चला रही है, वही शक्ति इस दुनिया को चला रही है, और वो आपको हमेशा आपके हित में अच्छा करने के लिए, और जो होता है आपके अच्छे के लिए होता है। यही भाव आपके मन में हमेशा सदैव होना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इन सभी बातों को यदि आप फॉलो करते हैं, आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी, और वैसे भी आपका किसी का अहित नहीं करते हैं, किसी का अहित नहीं चाहते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, भला करते हैं, तो कभी भी ऐसे लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता। आप, शत्रु भी आपके पराजित हो जाएंगे, क्योंकि तो आपकी भावनाएं शुद्ध हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। तमाम जो चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द ये वातावरण में घूमती है, और हमें उसका फल मिलता है। तो सबसे पहले कमेंट्स में आपको आपके जो भी इष्ट हैं, जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, उसका नाम आपको कमेंट्स में लिखना है। इस वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, यदि अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें अगर कुछ समझ ना आए तो।